सुनो गौर से भारत वालों, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ, जरा इधर भी ध्यान लगा लो, ज्ञान चचू मैं खोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। लिंचिंग मॉब कराने वालों, नफरत को फैलाने वालों, झूठे सत्य बनाने वालों, नियत तुम्हारी तोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। ब्राह्मणवाद अपनाने वालों, फांसीवाद को लाने वालों, वो संविधान जलाने वालों, तुम पर हल्ला बोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं भाषा और इस समय न्यूज क्लिक की टीम के साथ मैं खड़ी हूँ देश के संसद मार्ग पर। यहाँ पर मेरे पीछे जो सैलाब आपको दिखाई दे रहा है वे देश के कोने कोने से आया हुआ है और वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए पहुँचा है। साथ ही साथ देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र में अपनी आस्था को जताने, अपने परिवार के साथ इसे एक उत्सव के तौर पर मनाने के लिए पहुँचा हुआ है यह जन सैलाब। यह चलन 4-5 दशकों से चल रहा है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि जिस समय देश की संसद में बैठी सरकारें संविधान बदलने वालों को, देश के संविधान को जलाने वालों को और साथ ही साथ ऐसे लोगों को पक्ष में खड़ी हैं जो लगातार देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति आस्था जताते हुए लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई दे रहे हैं। मैं कब से आ रही हूँ, 77-78 से, और उस समय यहाँ पर 50 या 100 लोग हुआ करते थे। मैं बहुत छोटी थी तब, पापा के साथ हम लोग आते थे और धीरे 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 धीरे, जबकि इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, लोग अपनी स्वतः स्फूर्त चेतना से यहाँ पर आते हैं। मैंने जैसा कि अभी कहा, डॉक्टर अम्बेडकर के होने की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि भारत जो परंपरागत हिंदू जो समाज है उसमें तो स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। और अभी हम लगातार देख रहे हैं कि स्त्रियों पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, उनकी चेतना पर को कुंद करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पर हमें एक रोशनी देते हैं, वो शिक्षा का, जो कहते हैं शिक्षित बनो, वो शिक्षित बनने का मतलब स्त्रियों को, वो कहते भी थे कि किसी देश की प्रगति को मैं उस देश की जो स्त्रियों की शिक्षा है उससे उसको मैं मूल्यांकन करता हूँ। और बिल्कुल सही है, एक दलित स्त्री होने के कारण जहाँ पर सदियों से मतलब हमको अधिकार नहीं थे पढ़ने का और तमाम तरह के, वो सब के सब हमें अम्बेडकर के संविधान की वजह से हमको मिले और उससे हमारी ग्रोथ हुई। तो ये पिछले जो 40 सालों में मैंने यहाँ पर देखा कि 40 लोग होते थे 40 से ज़्यादा सालों से, और आज हम देखते हैं कि यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, तो अपने आप को अच्छा लगता है देख करके कितने लोगों में चेतना आ गई है। बेशक थोड़ा सा सांस्कृतिक संक्रमण का दौर तो है, लेकिन उसके बावजूद इतने लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने एक तरह से ये उत्सव है हमारे लिए, तो इस उत्सव को हम सब ही उसका आनंद भी लेते हैं और दूसरे लोगों को अभिप्रेरित भी करते हैं। यहाँ पे आके देख के अच्छा लगता है कि वैचारिक लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और वो लोग जो दुश्मन अपना काम कर रहा है उतना हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। आप बोल रहे हैं दुश्मन कौन है? दुश्मन वो लोग हैं जो हमें अपने हक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, हमें इंसान का दर्जा नहीं देना चाहते, तो वो हमारे दुश्मन ही हुए। अभी लोग अंबेडकर को तमाम लोग मनुवादी ताकतें भी याद करती हैं, क्यों? उनके जितना विचारिक इस देश में, इस वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, आज उनकी विचारधारा तेजी से बढ़ रही है और उनको अपने वोट बैंक के लिए भी अब जो है अंबेडकर की जरूरत पड़ रही है शायद। 96 से आ रहा हूँ, जब मैं इलाहाबाद से IIMC में आया था, तो उसके बाद यहाँ लगातार जो संसद मार्ग पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का ये जो ताता लगता है, और जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह में एक सरकारी कार्यक्रम होता है जिसमें आमंत्रित लोग शामिल होते हैं और 9 बजे से बिना कार्ड के, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती इस मायने में बहुत अलग है जितने भी महापुरुष हैं, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों के आयोजन में आमंत्रण पत्र वितरित करना होता है, लेकिन इसमें जो अनुयायी हैं खुद आमंत्रण पत्र लेने के लिए 15 दिन से पहले एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद उनको आमंत्रण मिलता है।
तो मतलब, और जब आप दो कल के बाद देखेंगे तो यहाँ से जो बाबा साहब पर जो चढ़ाए जाने वाले फूलों को 4-5-10 गाड़ियों में बाहर निकाला जाता है। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर का कारवा है वो क्या वजह लगता है क्यों इतने प्रासंगिक बने रहे जबकि सरकारी सपोर्ट कम रहा? नहीं, एक्चुअली जो इनका दर्शन है इक्वलिटी फ्रेटर्निटी डिग्निटी एंड जस्टिस जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और जो संविधान बनाने वाले जो सभी सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो जो संयोजन किया गया उसको उसका सुनिश्चितीकरण इन्हीं के दर्शन में दिखता है। तो लोगों को लगता है कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आत्मसात करते हैं तो संविधान में निहित जो 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, तत्व हैं, उसको हम पूरा करते हैं। बाबा साहब ने सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिए हैं और कुछ वर्ग नहीं चाहते कि नीचे के तबके के लोगों को अधिकार मिले, इसलिए कुछ जो है विध्वंसक लोग जो है ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश संविधान के भरोसा चलेगा, बाबा साहब के संविधान के भरोसा ही चलेंगे और कोई भी संविधान यहाँ पर किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। और इस बात को पुख्ता करने के लिए आज देश के कोने कोने से बाबा साहब अम्बेडकर को इतने साल गुजर जाने के बाद भी बड़ी तादाद में लाखों लाखों की संख्या में युवा बुजुर्ग माता बहने बच्चे यहाँ पर हुजूम से उमड़ पड़े, ये पहचान है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सिद्धांत को कोई छेड़छाड़ ना करे। और देखो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे महापुरुषों के विचारधाराओं को जब तक एकजुट नहीं होंगे हमारे संगठन तो तब तक इस तरह, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साथ मिल के आए और हमारा संविधान है तो सब कुछ है। ठीक है, जो भी जितने हमारे बाबा साहेब शिक्षित थे संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने ये नारा लगाया और यही हमको बनाएगा, यही हमको जिताएगा। देखिए बाबा साहेब के जो विचार है ना उसके प्रति लोगों की आस्था है और इसलिए लोग आते हैं। संविधान उन्होंने लिखा है लेकिन बाबा साहब के जो विचार हैं उसको लेकर के एक जागृति है, एक समझ है और इसलिए लोग आते हैं। संविधान खतरे में है ये तो जरूर एक चिंता वो है, संकेत है कि उसके बावजूद भी जो है लोग यूनाइट हैं, लोग गुलबंद हैं और लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है वो स्थापित रहे। हम बचपन से आ रहे हैं जी। बचपन से मतलब? छोटे से ही, जब पैदा हुए थे जब से माँ बाप लेके आ रहे हैं हमें, जब से। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे, क्यों आते हैं आप? क्या अच्छा लगता है, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हमारे माँ बाप मानते हैं उन्हें, हम पूछते हैं तो हम उनके लिए आते हैं। और मुझे गोद भी यहीं लिया था मेरे फादर ने, और मेरी शादी भी आज के दिन ही हुई थी, 14 अप्रैल के ही दिन करी थी उन्होंने, इसलिए हाँ जी हमारे तो बहुत बड़ा दिन है ये। आपका क्या नाम है? मेरा माया पिप्पल है मेरा नाम जी। मैं रोहनी सेक्टर 15 से आई हूँ। हर साल आती हैं आप? हर साल आते हैं। क्या लगता है यहाँ पर आकर आपको? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। अब तो लोग बोल रहे हैं कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो लोग, मुझे लग रहा था कि लोग कम आएंगे। नहीं नहीं, आने वाला जो आने वाला है वो आएगा, जो मानता है वो जरूर आएगा, पीछे नहीं हटेगा। अम्बेडकर जी को मानने का मतलब क्या है आपके लिए? उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने जात पात को मिटाया, उन्होंने हम लोगों के लिए आगे बढ़ाया, नहीं तो हम आज पीछे ही रह जाते। हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं हमारे बाबा साहब, वो हमारी जान है बस। आप कब से यहाँ लगा रहे हैं? और आपका जो गौतम बुक सेंटर है वो एक बहुत मजबूत अड्डा है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, क्या सोच के आपने लगाना शुरू किया, कब से? मैडम हम 1994 से पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आ रहे हैं और उसी वर्ष से लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो बाबा साहब की जयंती है, देश में बहुत सारे महापुरुषों की जयंती होती है लेकिन जो मज़ा लोग लेते हैं जयंती मनाने में, सम्मान करते हैं, वो शायद ही किसी का हो। राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है महात्मा गांधी की जयंती मन रही हो लेकिन जो पब्लिक मनाती है तो वो तो अम्बेडकर जयंती पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो मनती है उसका हसर ही कुछ और है। आपका जो पब्लिकेशन है वो अम्बेडकराइट विचारधारा पर है, अक्सर आप अधिकांश किताबें आपकी अम्बेडकर से संबंधित हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? मैडम पढ़ाई बहुत हो रही है, अब ये नहीं पता है कि किस रोज ये आएगा,
हम तो लोहा बांट रहे हैं, किस रोज लोग इसका हथियार बना के लड़ेंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता, लेकिन तो बहुत सारा लिटरेचर पब्लिक में जा रहा है और पब्लिक पढ़ रही है, रीडरशिप बहुत बढ़ रही है, विचारों उत्तेजक सामग्री बहुत जा रही है, लोग लिख रहे हैं, आप जैसे लोग पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं और समाज को तैयार कर रहे हैं। कितनी किताबें इस बार आप लेकर आए हैं यहाँ? मैडम यहाँ तो बहुत कम ला पाते हैं, हमने कोई 800 के करीब टाइटल पब्लिश किए हैं, तो यहाँ हम मूवमेंट से संबंधित और डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित पुस्तकें लाते हैं, अदरवाइज हमारा फोकस वीमेन, दलित, पिछड़ा, संत, महिला, निराश्रित बच्चे और इन सारे इश्यूज पे रहता है। यहाँ पर हमने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक मेला है, एक ऐसा मेला जिसमें पूरा का पूरा परिवार शामिल है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिवार लगातार तमाम रुकावटों के बावजूद बड़ा होता जा रहा है, इसमें विस्तार आ रहा है। यहाँ पर खाना है, नाच है, नाटक है, गाने हैं और साथ में विचारधारा है, किताबें हैं, पोस्टर है, सब कुछ है यहाँ पर, जिसके लिए देश का संविधान रचा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और एक समता समानता की बात नीचे तक पहुंचाई, जाति उन्मूलन की बात की और साथ ही बात की, खतरा जताया कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो कितना बड़ा खतरा होगा। उस खतरे को बताने वाले संभवतः वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना खुलकर बताया और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं यह खतरा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जो नौजवान हैं वह किस तरह से नफरत की अफीम को चाटकर धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, लेकिन वहीं यह जन सैलाब भी है, यह बहुत बड़ी आशा का संचार करता हुआ जन सैलाब है जो संविधान की प्रति को अपने हाथ में थामे एक दूसरे ढंग का असल भारत निर्माण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नजर आ रहा है।